मुंबई समेत पूरे देश भर में आज अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जा रहा है और दशम के पूजा पाठ के बाद आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के पड़ेल इलाके में और आप ये तस्वीरें पड़ेल की महाराजा की देख रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से शॉप बिल्डिंग जो बिल्कुल पड़ेल के मध्य में स्थित है, शॉप बिल्डिंग से बप्पा के ऊपर पुष्प माला जो है पुष्प अर्पित किया जा रहा है और बप्पा से यही विनती की जा रही है कि गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आ। जिस तरीके से बप्पा को पूरे देश भर में 10 दिन तक भक्तों ने पूजा अर्चना की और जिस आतुरता के साथ बप्पा का इंतजार हो रहा था, भक्तों ने बप्पा का स्वागत किया। लाखों की संख्या में आपको यहाँ पे जो भक्त है वो दिखाई दे रहे होंगे और बप्पा की एक झलक पाने के लिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर मुंबई की सड़कों पर आपको जगह जगह दिखाई दे रहे होंगे। ठीक किसी तरीके से आज जब बप्पा को विदाई दी जा रही है तो कुछ इसी तरीके का नज़ारा है। आप देखिए कि लाखों की संख्या में भक्त बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बिल्डिंग से पुष्पों की वर्षा की जा रही है और बप्पा से यही मन्नतें मांगी जा रही है कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। चूँकि मुंबई में भव्य तरीके से बप्पा का विसर्जन किया जाता है, हजारों की संख्या में जो मूर्तियाँ हैं उनको विसर्जित किया जाता है, इसीलिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम भी किए गए हैं। मुंबई पुलिस के जवान जो है वो जगह जगह पे तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ जो डॉक्टरों की टीम है बीएमसी की तरफ से वो भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की अपनी घटना अगर घटे, अगर किसी भी भक्त को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हो तो उन्हें मेडिकल एड जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो कुछ इसी तरीके से पड़ेल के इसी इलाके से एक एक करके जो बड़े बड़े गणपति हैं वो गुजरेंगे और यहाँ पर पुष्पों की वर्षा की जाएगी और उसके बाद रात में जब ये सभी गणेश मूर्तियाँ गिड़गांव पहुँचेंगे तो उनका विसर्जन किया जाएगा। कैमरा मैन योगेंद्र गुप्ता के साथ ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई।